Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, right? So this is Pratik Patel from Nifty Millionaire. So आप लोग कैसे हो? जरूर बताइए मुझे कमेंट में. So चलो आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी को. हम देखते हैं सबसे पहले अगर आप निफ्टी को देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो निफ्टी काफ़ी टाइम से मैंने बताया था ब्रॉड ट्रेंड निफ्टी निफ्टी का अभी भी स्ट्रांग है, जो आज भी उसके नीचे नहीं गया, जो गैप डाउन हुआ. राइट, सो ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है तो लेट्स सी. सो बेसिकली निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है. आप देख सकते हो जो ब्रॉड ट्रेंड जहाँ से वीक हो सकता है वहाँ से ही उस दिन गैप अप हुआ, फिर आज भी गैप अप हुआ एंड देन होल डे बाइंग. राइट, सो देर इज़ नो वीकनेस इन द निफ्टी. निफ्टी में ये जो लो है उसके नीचे सस्टेन करे, एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, फिर सस्टेन रहे, देन वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग. अदरवाइज इंट्राडे में कर सकते हो. बट मार्केट क्या हो रहा है आजकल, गैप डाउन हो रहा है और उसके बाद तुरंत अप जाता है. तो निफ्टी ये जो बेसिकली लेवल है इसके ऊपर जाएगा तो उसका माइनर ट्रेंड भी स्ट्रांग हो जाएगा. आप 19,680 पकड़ सकते हो स्पॉट में. उसके ऊपर जाएगा तो माइनर ट्रेंड भी स्ट्रांग हो जाएगा, ब्रॉड ट्रेंड भी स्ट्रांग है, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग. राइट, सो व्हाट इज द सिचुएशन और आइडियल कंडीशन, लाइक जैसे एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे हुआ और गया मार्केट और अच्छी स्ट्रेंथ में, फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करें देन ब्रेकआउट आए तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग. अदरवाइज आई थिंक निफ्टी एक मिडल में है अभी. वी कैन नॉट आइदर शॉर्ट और वी कैन नॉट आइदर लॉन्ग. राइट, सो लेट्स सी व्हेन वी गेट द क्लियर ट्रेंड. सेम वे आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज़ लिटिल बिट वीक. जैसे मैंने आपको बताया उसका ब्रॉड ट्रेंड भी वीक हो गया और माइनर ट्रेंड भी वीक हो गया है. सो बैंक निफ्टी में देख, मैं बता रहा था काफ़ी दिन से आपको देखना है तो शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी. बट क्या हो रहा है, जैसे आज गैप डाउन हुआ फिर कोई नीचे ब्रेकआउट ही नहीं है, ब्रेक डाउन ही नहीं है. राइट, कंसिस्टेंटली ऊपर जाता गया. सो फॉर टुमारो एग्जाम्पल इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करता है, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. बट लॉन्ग आपको निफ्टी में ज़्यादा फोकस करो क्योंकि निफ्टी इज स्ट्रांग. राइट, अब शॉर्ट आप कहाँ पे कर सकते हो, शॉर्ट इसके नीचे आप मान लो कल गैप डाउन होता है या कहीं पे जाता है फिर यहाँ पे सस्टेन होता था, यू कैन लुक फॉर शॉर्ट. सो बेसिकली आपको ये रेंज ध्यान रखना है, जो आज का लो है 43,600 उसके आसपास ब्रेक डाउन होता है कहीं पे सस्टेन करता है तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. राइट, सो सेम वे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप बैंक निफ्टी तो ऐसे जोन में अगर बैंक निफ्टी अभी आया है जहाँ से प्रीवियस रेजिस्टेंस था. राइट, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरा रेंज वहाँ पे ही एग्जैक्टली आके आज सपोर्ट लिया है. तो ये जो रेंज है इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी 43,400 देन वी कैन हैव मोर फॉल, अदरवाइज एक बाउंस बैक भी आ सकता है. अब बाउंस कितना होगा वो अपने को ऑब्जर्व करते रहना है नेक्स्ट फ्यू डेज. राइट, सो बेसिकली जो डिमांड जोन था, आप जब काफ़ी लोग बोलते हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट. राइट, ये जो एरिया है पूरा, सो लेट्स सी हाउ बैंक निफ्टी गोज फर्दर फ्रॉम हियर. सेम वे फिन निफ्टी भी आप देखेंगे, फिन निफ्टी भी जो प्रीवियस जोन था उसका रेजिस्टेंस का, जहाँ से बार बार गिरता था वहाँ पे एग्जिट लेके खड़ा है और आप देख सकते हो कंटिन्यूअस काफ़ी दिन से गिरा हुआ है, तो थोड़ा बाउंस बैक भी आ सकता है. राइट, सो आई थिंक यू शुड हैव अवेयरनेस ऑफ दैट थिंग. सेम वे अगर आप फिन निफ्टी भी देखेंगे तो गैप डाउन हुआ देन कंटिन्यूअसली होल डे अप जाता गया. अब मान लो कल यहाँ पे गैप डाउन होता है फिर सस्टेन करता है उसके बाद ब्रेक डाउन आता है तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. और इसके ऊपर अगर जाता है जो कल का हाई है 19,700 के ऊपर, तो एक इंट्राडे में आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जैसे लॉन्ग कहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हो. बट लेट सी दैट मार्केट कहाँ पे देता है, तो वी हैव टू वेट फॉर अ बेस्ट ट्रेड्स. राइट, एंड सेम वे अगर आप ये रिसेंट जो हाई है फिर निफ्टी का 20,100 और मोस्ट प्रोबेबली 20,250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इट कैन गोज टूवर्ड्स अगेन ऑल टाइम हाई. बट एज ऑफ नाउ माइक्रो और ब्रॉड दोनों ट्रेंड वीक है फिर निफ्टी के, सो वी हैव टू वेट. अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि अभी ये जो स्मॉल कैप में सेलिंग आया जो मैंने डिस्कस किया था, आज अगेन उसके ऊपर निकल गया है बाजार. सो दैट्स अ गुड साइन. आज स्मॉल कैप में भी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में मूव आई है. सो फिर से अगर ये रिसेंट आई है जो उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर वी कैन बी गो मोर एग्रेसिव. स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देखते रहना चाहिए. सो रिसेंट आई है जो 11,850 या 880 और 11,800 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अगेन वी कैन गो मोर एग्रेसिव इन टू स्मॉल कैप एंड ऑल थिंग. राइट, सो बेसिकली ये आप सेलिंग देख रहे हो, यहाँ पे सेलिंग आया फिर अगेन ऊपर गए, यहाँ पे सेलिंग आया आज अगेन उस दिन का हाई को क्रॉस कर दिया, तो वी हैव टू कीप ऑब्जर्विंग. राइट,
इसके नीचे अगर मान लो ये सेलिंग आता है जो रिसेंट लो है दोनों, तो देन वी कैन बी ए मोर सेलिंग, वी कैन सी इन स्मॉल कैप एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स, राइट? 11,480, 11,450 का एक एरिया है, राइट? सो लेट्स सी हाउ मार्केट गोज फ्रॉम हियर। सो आप ये ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको ये सीरीज़ कैसे हेल्प कर रही है, एंड सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू।